हेलो चिल्ड्रन, यू आर वेलकम इन एसएसटी क्लासेस। आज हम लोग एसएसटी में क्लास फोर का असाइनमेंट डिस्कशन करेंगे। आज जो हम लोग का क्लास फोर में असाइनमेंट डिस्कशन है वो सेकंड चैप्टर का असाइनमेंट टू हम लोग आज डिस्कस करेंगे, यानी कि सेकंड चैप्टर जो है हम लोग का द हिमालयस। इसका पूरा जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया था, इस असाइनमेंट के सभी प्रश्नों को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इसका पूरा आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस का सेक्शन है। इस सेक्शन के अंतर्गत नीचे आपका क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूस द हिमालयस विद संस्कृत मीनिंग, यानी कि हिमालय शब्द जो है वो संस्कृत से निकला है। ठीक है, तो इसका संस्कृत से इस मीनिंग का क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है, इसको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए, द हिमालयस कंसिस्ट ऑफ टू संस्कृत वर्ड्स, यानी कि हिमालय शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है। एक है हिम एंड आलय। ठीक है, हिम एंड आलय, हिम मीन्स स्नो एंड आलय मीन्स होम। इट मीन्स हिमालय मीन्स हाउस ऑफ स्नो, यानी कि हिम और आलय मिलकर के हिमालय बना। तो हिमालय का क्या मीनिंग हो जाता है, यानी बर्फ का घर। उसके बाद सेकेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है। क्वेश्चन नंबर टू है, राइट द नेम विद शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट रेंज ऑफ द हिमालयस, यानी कि हिमालय के जो अलग अलग रेंज आपको पढ़ाए गए हैं उसका नाम लिखना है और शॉर्ट में उसका इंट्रोडक्शन भी लिखना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग का क्या है, फर्स्ट नंबर, हिमालय जो है वो जनरली तीन भाग में बटा हुआ है। द हिमालयस कंसिस्ट ऑफ थ्री पैरेलल रेंज दोज आर फॉलोइंग, यानी कि हिमालय जो है वो तीन मेन भाग में बटा हुआ है, जिसका फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, द ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री, यानी कि ग्रेटर हिमालय जो है इसी का एक नाम हिमाद्री भी है, यानी हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय बोथ आर सेम। तो ये देखिए ये क्या है, इट इज मोर देन 8000 मीटर्स इन हाइट, यानी कि हाइट के अकॉर्डिंग देखें तो ये जितनी भी संसार की ऊंची ऊंची चोटियां हैं उसमें से कई सारी इसमें है। देखिए तो ये हाइट 8000 मीटर से अधिक की है। एंड माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी यहीं पे स्थित है, इसी हिमालय के हिस्से में स्थित है। एंड कंचनजंगा आर लोकेटेड हियर, और दूसरा कंचनजंगा भी हिमालय के इसी हिस्से में पड़ता है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, द लेजर हिमालयस। लेजर हिमालयस क्या है, द हाइट रेंज फ्रॉम 1500 टू 5000, यानी 1500 से लेकर के 5000 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट है, यानी कि कहीं कहीं पे हाइट ऊपर नीचे होते रहता है। एंड हिल स्टेशन लाइक दार्जिलिंग एंड शिमला आर लोकेटेड हियर, उसके बाद हिमालय के इस क्षेत्र में बहुत सारे हिल स्टेशन भी पड़ते हैं जो पर्यटकों को अपनी खूबसूरती से आकर्षित करते हैं, जिसमें मुख्य स्टेशन है दार्जिलिंग एंड शिमला। हमारा थर्ड है लोएस्ट हिमालय और शिवालिक, यानी कि लोएस्ट हिमालय या फिर शिवालिक रेंज, शिवालिक या लोएस्ट हिमालय बोथ आर सेम। देखिए एवरेज हाइट इज 1200 मीटर्स एंड फेमस डून ऑफ इंडिया इज देहरादून इज लोकेटेड हियर, यानी कि भारत का जो सबसे मुख्य डून है देहरादून के नाम से जाना जाता है, ये डून भी हिमालय के इसी रेंज में पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन है हु वाज एडमंड हिलेरी, यानी कि एडमंड हिलेरी कौन था। तो एडमंड हिलेरी जो था वो माउंट हिमालय की जो एक चोटी है, जो हाईएस्ट चोटी है हिमालय की माउंट एवरेस्ट, उस पर पहुंचने वाला ये सबसे पहला व्यक्ति था। तो वही है यहाँ पे लिखा हुआ, एडमंड हिलेरी वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। आप लोग याद रखेंगे इसके साथ एक और था व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट पर गया था, जो इसका कूली था, यानी इसका सामान लेकर के इसके साथ में गया था, नॉर्दर्न तेंजिंग, तो उसका भी नाम आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हिच स्टेट इज नोन एज पैराडाइज ऑन अर्थ एक्सप्लेन विद कॉजेस, यानी कि इस इंडिया के किस स्टेट को पैराडाइज ऑन अर्थ कहा गया है, यानी कि धरती पर स्वर्ग, तो अर्थ क्यों कहा गया है इसके कारण को बताना है। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज पैराडाइज ऑन अर्थ, जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग यानी पैराडाइज ऑन अर्थ कहा गया है। दिस नेम इज गिवन बाय द मुगल एम्पायर जहांगीर, यह नाम जो है इसको मुगल सम्राट जहांगीर ने दिया था।
क्यों दिया था? ड्यू टू इट्स नेचुरल ब्यूटी लाइक डल झील माउंटेन्स एंड प्लीजेंट वेदर. जहांगीर जो इसको ये उपाधि दिया था पैराडाइज ऑन अर्थ का, उसके पीछे का ये मुख्य कारण था कि यहाँ पे प्राकृतिक छटा काफी खूबसूरत है. और मुख्य रूप से कुछ जो वहाँ की मेन मेन चीजें हैं, जैसे डल झील, यहाँ पे पर्यटक घूमने आते हैं, ये एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है. उसके बाद माउंटेन्स एंड प्लीजेंट वेदर, और चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरे होने के कारण यहाँ का मौसम काफी सुनहरा होता है. उसके बाद फिफ्थ नंबर देखें, इंट्रोड्यूस टू ऑक्यूपेशन कल्चर फेस्टिवल एंड ड्रेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इसके बाद जम्मू कश्मीर का जो ऑक्यूपेशन है, कल्चर है, फेस्टिवल है और ड्रेस है, इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना है. तो देखिए, जम्मू कश्मीर का सबसे पहले ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल इन जम्मू एंड कश्मीर. यहाँ पे शॉर्ट में JNK लिखा हुआ है, इसका मतलब जम्मू एंड कश्मीर है. राइस इज द स्टेपल फूड इन दिस रीजन. देखिए, जम्मू कश्मीर जो है वो मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है. ठीक है, यहाँ का स्टेपल फूड, यहाँ मुख्य रूप से चावल की खेती होती है. इसके अलावे यहाँ पे अन्य तरह के भी जो ठंड प्रदेश में उगने वाले फल हैं या फिर सब्जियां हैं, उसकी भी खेती बड़े मात्रा पे की जाती है. यहाँ मुख्य रूप से केसर की खेती भी होती है. उसके बाद यहाँ का कल्चर और फेस्टिवल देखिए, हिंदुइज्म एंड इस्लाम आर द मेन रिलीजन फॉलोड हेयर. यहाँ का जो मुख्य धर्म है, यहाँ जो मुख्य धर्मावलंबी लोग रहते हैं, वो मुख्य रूप से हिंदू और इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, यानी हिंदू और मुस्लिम अनुयायी यहाँ मुख्य रूप से रहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है, कॉमन फेस्टिवल्स आर ईद, दिवाली एंड होली. यहाँ का जो कॉमन फेस्टिवल है, चूंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मावलंबी यहाँ रहते हैं, इसलिए फेस्टिवल भी यहाँ दोनों का मनाया जाता है, जिसमें कि ईद इस्लामिक कल्चर से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है एंड होली और दिवाली हिंदुइज्म को इंडिकेट करता है. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ड्रेसेस. यहाँ का जम्मू और कश्मीर का जो मुख्य कल्चरल ड्रेस है वो क्या है? फेरॉन इज द कॉमन ड्रेसेस वॉर्न बाय बोथ मेन एंड वुमेन. फेरॉन यहाँ का एक कल्चरल ड्रेस है जो महिला और पुरुष दोनों ही पहनते हैं. नेक्स्ट आप लोग सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए. सिक्स नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ग्लेशियर, यानी कि ग्लेशियर से क्या समझते हैं आप? तो देखिए, ग्लेशियर्स आर अ थिक मास ऑफ आइस दैट मूव्स वेरी स्लोली. यानी ग्लेशियर्स जो है ना, आप लोग मोटे तौर पर समझे कि पहाड़ी, पहाड़ के सबसे ऊपरी हिस्सा यानी टॉप पे, उसके पीक पे एक बर्फ का जमा हुआ चट्टान होता है, जिसे हम लोग ग्लेशियर के नाम से जानते हैं. और यह चट्टान धीरे धीरे पिघल करके और पानी के रूप में नीचे आता है, जो यहाँ नदी के रूप में बहती है. उसके बाद सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए, इंट्रोड्यूस इन नटसेल, यानी कि आपको संक्षिप्त जानकारी देनी है कुछ स्टेट का, जिसमें सबसे पहले है आपका लद्दाख. तो लद्दाख देखिए, लद्दाख के बारे में मैंने कुछ संक्षिप्त जानकारी यहाँ पे दिया है. लेह इज इट्स लार्जेस्ट सिटी एंड कैपिटल, यानी कि लेह जो है वो लद्दाख का सबसे बड़ा सिटी है, शहर है और राजधानी क्षेत्र भी है. इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट कल्चरल सेंटर विथ ब्यूटीफुल मॉन्स्ट्रीज, यानी कि यह एक बौद्धिस्ट कल्चर का भी हब रहा है और यहाँ पे कई सारे मॉन्स्ट्रीज यानी कि शांति स्तूप है, जिसे देखने के लिए पूरे विश्व से सैलानी और बौद्ध धर्मावलंबी यहाँ पे आते हैं. इसमें आपका सेकेंड है हिमाचल प्रदेश, थर्ड है उत्तराखंड एंड फोर्थ है सिक्किम. इन सभी स्टेट के बारे में आप लोग इसी तरह से थोड़ी थोड़ी जानकारियां आप अपने बुक से एकत्रित करके और लिखेंगे. बुक में स्टेट वाइज पेज नंबर 12-13 में आपको ये सभी स्टेट्स दिए हुए हैं. आप लोग यहां से इन स्टेट से थोड़ी थोड़ी जानकारियां इकट्ठा करके और इसी तरह से स्टेट का नाम लिख करके डैश देंगे और उसके बाद उसकी पूरी जानकारियों का यहाँ पे वर्णन करेंगे. उसके बाद आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. क्वेश्चन नंबर 8 में है, व्हाट इज द नेम ऑफ थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या फिर उसका नाम क्या है? तो देखिए, कंचनजंगा इज द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? कंचनजंगा. ये कहाँ स्थित है? ग्रेटर हिमालय का पार्ट है. उसके बाद नाइन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल, यानी कि किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है?
तो जम्मू इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल, यानी कि जम्मू को मंदिरों का शहर या फिर सिटी ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है। टेंथ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज अबाउट 8848 मीटर्स हाई, यानी कि माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये कितना इसका हाइट है, 8848 मीटर। यहाँ पे आप लोग एक चीज देखेंगे, अबाउट ऐड किया हुआ है, क्योंकि ये इसका एक्चुअल हाइट नहीं है। आप लोग कहीं कहीं कुछ डिफर भी देखेंगे, लेकिन आपको एक्यूरेट इतना याद रखना है, 8848 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोग का, वेयर इज कंचनजंगा लोकेटेड, यानी कि कंचनजंगा कहाँ पे अवस्थित है। तो कंचनजंगा इज लोकेटेड इन द हिमालयन रेंज हिमाद्री, यानी कि कंचनजंगा जो है वो हिमालय का जो एक रेंज है, तीन टोटल रेंज है, जिसमें से कि एक रेंज है हिमाद्री, उसी में ये अवस्थित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हिच स्टेट इज नोन एज फूड बाउल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के किस राज्य को फूड बाउल ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पंजाब इज नोन एज द फूड बाउल ऑफ इंडिया, यानी कि पंजाब को फूड बाउल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है या फिर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट आर द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन सिक्किम, यानी कि सिक्किम में मुख्य रूप से कौन कौन से त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं, उन सभी का नाम लिखना है। तो देखिए, मघी संक्रांति, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मकर संक्रांति नहीं, मैघी संक्रांति है, ठीक है। उसके नेक्स्ट है दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा एंड रामनवमी आर मेनली सेलिब्रेटेड इन सिक्किम, यानी कि ये तीन चार फेस्टिवल जो है, मेघी संक्रांति, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, ये सब यहाँ का मेन फेस्टिवल है, ये सब यहाँ का मेन फेस्टिवल है, कहाँ का, सिक्किम का। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका जरूरी नहीं कि यही आंसर होगा, आप अपने तरीके से कुछ और भी आंसर दे सकते हैं जो आपके स्टेट से जुड़ा हुआ हो, यानी जहां आप रहते हैं, हम लोग कहां रहते हैं, तो वहां के स्टेट के बारे में लिखना है। इसमें कह रहा है, एक्सप्लेन योर ओन कल्चर फेस्टिवल एंड लैंग्वेज, यानी कि आप जहां कहीं भी रहते हैं वहां का कल्चर को लिखना है, वहां का फेस्टिवल को लिखना है और वहां का लैंग्वेज को लिखना है। तो मैंने लिखा है, हिंदुइज्म एंड इस्लाम आर द मेन रिलीजन फॉलोड इन आवर नेटिव स्टेट बिहार, यानी कि मेरा नेटिव स्टेट बिहार है, जहाँ की हिंदुइज्म और इस्लाम धर्म के अनुयायी रहते हैं। दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा एंड ईद आर मेन फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड हियर, यहाँ पर मुख्य रूप से दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा और ईद का त्योहार मनाया जाता है। चूंकि हिंदू मुस्लिम सभी रहते हैं यहाँ, इसलिए यहाँ के त्योहार में भी सभी संयुक्त रूप से सम्मिलित होते हैं और उत्साह के साथ उसे मनाते हैं। हिंदी, भोजपुरी एंड मगही आर मेजरली स्पोकन हियर, हिंदी, भोजपुरी और मगही यहाँ पे बड़े व्यापक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। अब तक हम लोगों ने असाइनमेंट डिस्कशन देखा, असाइनमेंट का पूरा क्वेश्चन हम लोग का 14th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं बुक का जो क्वेश्चन आंसर है, यानी कि आपका जो सेकंड चैप्टर है द हिमालय, उसका पेज नंबर 17, ठीक है, पेज नंबर 17 एंड 18, पेज नंबर 17-18 पे जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग अभी डील करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला है हम लोग का, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ पे चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स है, इस सेक्शन के नीचे आपको कुल 8 क्वेश्चंस हैं। आप देखिए सभी का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक का सिर्फ आंसर लिखा हुआ है, नंबर दिया हुआ है, आप लोग इसके अनुसार फिल अप कर लेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट आंसर है पैराडाइज ऑन अर्थ, सेकेंड आंसर है श्रीनगर, थर्ड आंसर है लेह, फोर्थ आंसर है हाउस बोट, फिफ्थ आंसर है गोंचा, सिक्स आंसर है बुद्धिज्म एंड सेवेंथ भूटियाज, एट्थ पैलिंग। आप लोग क्वेश्चन को बुक में देखेंगे ध्यान से, या तो इसे बुक में टिक कर लेंगे, नहीं तो आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। सेकेंड है आपका सेक्शन राइट ट्रू एंड राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स वन, यानी कि ट्रू फॉल्स आपको लिखना है, ट्रू के लिए टी लिखना है और एफ फॉल्स के लिए एफ लिखना है। तो इसमें जिस टोटल 8 क्वेश्चन है सभी का आंसर यहाँ पे इसके सामने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट का फॉल्स है तो फॉल्स के लिए मैंने क्या लिख दिया, एफ लिखा। सेकेंड ट्रू है तो ट्रू के लिए टी लिखा। इसी तरह से आगे है 3 टी, 4 एफ, 5 एफ, 6
F7T8F. नेक्स्ट देखिए आप लोग का मैच द फॉलोइंग सेक्शन है, मैच द फॉलोइंग के अंतर्गत इतना सारा दिया हुआ है, इसको मैच करना है। तो मैंने कॉलम ए इधर रखा है और कॉलम बी इधर है, ठीक है। कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना था, तो कॉलम ए को ऐसे ही लिखें और कॉलम बी में जो भी उसका सुटेबल आंसर था उसके सामने लिख दिया गया है। तो कश्मीर का क्या आंसर होगा? पैराडाइज ऑन अर्थ। उसके बाद लद्दाख का लैंड ऑफ हाई पासेस, उत्तराखंड का लैंड ऑफ गॉड्स एंड जम्मू का सिटी ऑफ टेम्पल, हिमालय का एबोर्ड ऑफ स्नो और हिमाचल प्रदेश का फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए हम लोग का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सेक्शन है, ठीक है। इस सेक्शन में आपको टोटल 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 8 क्वेश्चंस में से कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने असाइनमेंट में अभी अभी देखा है, तो आप लोग असाइनमेंट से ही लिख लेंगे इसका आंसर। असाइनमेंट का जो आंसर मैंने आपको करवाया है उसी से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। और कैसे लिखना है ये मैं बता भी दे रहा हूँ। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेम द डिफरेंट रेंज इन द हिमालयन रीजन। हिमालय को कुल कितने रीजन में डिवाइड किया गया है या फिर हिमालय के कितने रीजन हैं? तो हिमालय के 3 रीजन हैं, जैसा कि मैंने आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन का आंसर करवाया उसमें बताया, तो आप लोग वहां से इसको लिख लेंगे। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, नेम द स्टेट्स एंड यूटीज थ्रू व्हिच द हिमालयन रेंज पासेस। ऐसे स्टेट या यूटी का नाम लिखना है जहां से हिमालय रेंज जहां पे अवस्थित है। तो आप लोग ऐसे सभी स्टेट का नाम इसमें दिया हुआ है इस चैप्टर में, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, सिक्किम है, इस सभी का नाम आप लोग लिख लेंगे। जितना भी स्टेट इसमें दिया हुआ है वो सभी हिमालय रेंज वहां से पास करता है। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड का आंसर आपका नहीं लिखवाया गया था, तो थर्ड का आंसर मैंने अभी लिख दिया है। थर्ड का क्वेश्चन है हमारा, नेम द 3 पेरिनियल रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस। यानी कि ऐसे 3 रिवर्स का नाम बताना है जो हिमालय से निकलती है और सदा नीरा है। सदा नीरा का ये तात्पर्य होता है ऐसी नदियां जो सालों भर बहती है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां लगभग सदा नीरा होती है, तो ऐसे कुछ नदियों को यहाँ पे दिखाया गया है। आप लोगों को मुख्य रूप से 3 नदी का नाम बताना था, जिसमें से फर्स्ट है गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र आर रिवर्स दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयस। यानी गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र ये 3 ऐसी नदियां हैं जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है और सालों भर बहती है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आइए, नेम एनी 3 फेस्टिवल दैट सेलिब्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का फेस्टिवल्स मैंने आपको असाइनमेंट में बताया है, साथ ही अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप अपने बुक में जम्मू कश्मीर स्टेट के बारे में जहां पे दिया हुआ है वहां से भी जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल्स को ढूंढ करके और लिख सकते हैं। वैसे नवरात्रा, रामनवमी, दुर्गा पूजा, ईद, ये सब मेन फेस्टिवल्स है जम्मू कश्मीर का। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, नेम द स्टेट्स एंड यूटीज बॉर्डरिंग हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सेक्शन को आप पढ़िए, उसका हिमाचल प्रदेश का जो ज्योग्राफी है उसमें ये दिया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश का बाउंड्री किस किस स्टेट के साथ लगता है। तो आप लोग इसका ज्योग्राफी को पढ़ करके इस बुक से, इस चैप्टर से और लिखेंगे। सिक्स देखिए, नेम द स्टेट्स बॉर्डरिंग उत्तर प्रदेश। ये 6 नंबर क्वेश्चन भी सेम है फिफ्थ क्वेश्चन की तरह, इसमें सिर्फ क्या फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोग को हिमाचल प्रदेश का बाउंड्री लिखना था और 6 क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश का बाउंड्री लिखना है। यानी कि उत्तर प्रदेश का बाउंड्री किसके किसके साथ, कौन कौन स्टेट के साथ लगता है। जैसे उत्तर प्रदेश का बाउंड्री बिहार के साथ लगता है, दिल्ली के साथ लगता है, तो इस तरह से सभी स्टेट को लिखना है। आप यूपी का ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, इस बुक में, इस चैप्टर में दिया हुआ है ज्योग्राफी हेडिंग करके, उसमें आपको ये सारा चीज मिल जाएगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन सिक्किम। सिक्किम का मेन फेस्टिवल्स भी मैंने आपको असाइनमेंट में लिखवाया है आंसर, वहां से आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद 8th देखिए, 8 नंबर आंसर आप लोग शायद नहीं लिखे होंगे, 8 का आंसर मैंने लिख दिया है। 8th क्वेश्चन है, मेंशन द 3 कम्युनिटी दैट रिजाइड इन सिक्किम। यानी कि ऐसे 3 कम्युनिटी का नाम बताना है जो सिक्किम में निवास करते हैं। तो ऐसे 3 कम्युनिटी है, लेपचाज, भुटियाज एंड नेपालीज आर द कम्युनिटीज रेजिड इन सिक्किम। यानी कि ये 3 ऐसे कम्युनिटी है जो सिक्किम में निवास करते हैं। देखिए नेक्स्ट है हम लोग का लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आपको कुछ आंसर्स देने हैं, इसके सभी आंसर्स
आपको असाइनमेंट से मिल जाएगा, या फिर आपको असाइनमेंट में नहीं समझ में आता है तो आप बुक से भी लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं हिंट्स दे रहा हूँ, तीन क्वेश्चन है लॉन्ग सेक्शन में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कुल कितने क्वेश्चन है, तीनों ही क्वेश्चन का मैं हिंट्स दे रहा हूँ, आप वैसे इसे कर लेंगे। फर्स्ट देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ज्योग्राफी फेस्टिवल एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी फर्स्ट में क्या करना है, आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बुक से स्टडी करना है, ठीक है। बुक में हिमाचल प्रदेश दिया हुआ है, हिमाचल प्रदेश का ज्योग्राफी लिखना है, कल्चर लिखना है और यहाँ का फेस्टिवल्स को लिख देना है। बस तीन से चार लाइन में आपको ये कर देना है। उसके बाद सेकेंड सेम है, इसमें क्या करना है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का शॉर्ट नोट लिखना है। जम्मू एंड कश्मीर में भी वैसे ही, इसका ज्योग्राफी, इसका कल्चर, इसका फेस्टिवल्स तीन चार लाइन में आपको बताना है। उसके बाद थर्ड है आपका सिक्किम, सिक्किम में भी ऐसे ही, जैसे मैंने असाइनमेंट में भी आपको पूर्व में बताया और इस चैप्टर में भी दिया हुआ है, वहां से आप लोग इसका ज्योग्राफी, इसका फेस्टिवल, यहाँ का कम्युनिटी के बारे में मेंशन कर लेंगे। ये सभी आंसर आप लोग तीन से चार लाइन में लिखेंगे। तो बच्चों अब हम लोग को उम्मीद है कि मैंने आपको एक्सरसाइज डिस्कशन करवा दिया, आपका असाइनमेंट डिस्कशन हो गया, आप लोग अच्छे तरीके से इसे लिख करके और याद करेंगे, और जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो आप इस चैप्टर को पढ़ें, एक बार नहीं अधिक बार भी पढ़ें तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा।